खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए जल्दी से अब आपको गुजरात की पूरी तस्वीर दिखा देते हैं। अब तक 9 सीटों पर आपने देखा किस तरीके से हर सीट पर कमल खिल रहा है। आगे बढ़ते हैं कच्छ, ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है, कच्छ में भी कमल खिलेगा। भरूच का रंग आप देख रहे हैं, ये भी केसरिया ही है, ये भी बीजेपी के खाते की सीट। आणंद कांग्रेस का खाता खोल रही है। भरत सिंह सोलंकी पहले भी दो बार यहां से सांसद रह चुके हैं और एक बार फिर ये सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। भावनगर एक बार फिर बीजेपी ही जीत जाएगी। आगे बढ़िए जल्दी से, बारदौली की बात कर लेते हैं, यहां पर भी कमल खिल रहा है। इसके बाद आता है बनासकांठा, एक और सीट कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ता हुआ। जूनागढ़, तीन का आंकड़ा कांग्रेस पहुंच गई है। मेहसाणा देखिए, एक बार फिर से कमल खिला मेहसाणा में। खेड़ा में फिर से केसरिया रंग कमल खिल रहा है। पंचमहाल भी बीजेपी के ही खाते में जा रहा है। अब तक सिर्फ तीन सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। दाहोद भी बीजेपी के ही खाते में जा रही है। छोटा उदयपुर में कांग्रेस का एक बार फिर से खाता खोल रहा है। कांग्रेस चार पर पहुंच गई है। नवसारी फिर से बीजेपी के खाते में जा रहा है। अमरेली लीजिए, कांग्रेस का आंकड़ा बढ़कर 5 पर पहुंचा है। अब बारी साबरकांठा की, ये तो कमल ही खिल रहा है यहां पर। सुरेंद्रनगर देख लीजिए आप, यहां पर भी कमल खिल रहा है। फिलहाल कांग्रेस का आंकड़ा 5 पर। और पाटन में देखिए, कांग्रेस इस बार जीत जाएगी। पाटन में यूपी सत्ता का अदल बदल हर बार हो जाता है, तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर जो गुजरात से उभर रही है, 20 बीजेपी 6 कांग्रेस, गुजरात में बीजेपी की 20 सीटों पर जीत। सर्वे ये कह रहा है पत्रकारों का, कांग्रेस 6 सीटों पर जीतेगी। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी को 6 सीट का नुकसान, कांग्रेस को 6 सीट का फायदा। सुमित बिल्कुल, और पहली बार गुजरात में कांग्रेस सेंध लगा पा रही है। जफर इस्लाम, चेहरे की मुस्कुराहट आपकी उड़ रही है, कांग्रेस ने सेंध लगा ली है, 6 सीटें जीत रही है पार्टी। देखिए सुमित जी, मैं सम्मान करता हूं आप जो भी सर्वे जो पत्रकारों के द्वारा करवाया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बात ऐड करना चाहता हूं कि अभी देखिए कैंपेन शुरू होगा, प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां के स्वाभिमान जाएंगे, वहां के तो राहुल गांधी भी जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी जाएंगी, प्रियंका गांधी भी जाएंगी। राहुल गांधी तो पिछले बार बैसाखी के सहारे गए थे, जो सीटें मिली थी बैसाखी की वजह से थी, वो बैसाखी को उन्होंने तोड़ के अपने साथ विधानसभा में बसने छुड़ा दिए थे। वहां की जनता भी, प्रधानमंत्री को हवाई जहाज पानी उड़ाना पड़ा था, प्रधानमंत्री को हवाई जहाज पर पानी उड़ाना पड़ा था, हम सबको याद है वो तस्वीरें। रोहन गुप्ता बोलना चाह रहे हैं, बैसाखी के सपोर्ट से थे वहां, उन्होंने गलत के बैसाखी के सपोर्ट से थे, वो सब खत्म हो चुका है। झूठ जो उन्होंने भ्रमित किया था लोगों को, अब खत्म हो चुका है। दूध का गलत फहमी तो आप फैला रहे हैं। रोहन मैं आऊंगा आपके पास, बारी अपनी बारी का इंतजार करिएगा। जवाब दे दूं, कुल हमने अभी तक 9 राज्यों के सभी आंकड़े आपको दिखा दिए, टोटल तस्वीर क्या बन रही है गुजरात की वो आपके सामने। 26 में से 20 बीजेपी और कांग्रेस को 6, यानी बीजेपी को 6 का सीधे नुकसान है।